इन आंखों की मस्तियों के अंदाज हजार, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। कभी सेट पर एक्ट्रेस का रूप, कभी नाचती हुई स्मिता बंसल, नाचू मैं आज छम 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 छम, कभी बेटियों के साथ खेलती हुई स्मिता बंसल, बेटियां आज आपको मिला रहा है टीवी की एक ऐसी माँ से जो अपना घर और वर्क ऐसे बैलेंस करते हैं कि क्या कहने। घर पर है स्मिता बंसल अपनी दोनों बेटियों की प्यारी मम्मी, और सेट पर है एक कड़क सास जिनके अंदाज का क्या कहना। और जब ये तैयार व्यार होकर ठुमके लगाती हैं तो सब कहते हैं आ गई यमी मम्मी। जी हाँ, सास बहु बेटियां मैं आपको मिला रहा है टीवी की एक और यमी मम्मी से जिनका नाम है स्मिता बंसल। ना वो चेहरा नूरानी कहीं कहीं, दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे थारे जैसा ना कोई। पिछले 15 सालों से स्मिता को आपने कई सीरियल्स में देखा, फिर चाहे वो पालिका वधू की सुमित्रा हो या फिर इतिहास और अमानत जैसे पुराने सीरियल्स, स्मिता ने टेलीविजन का एक लंबा सफर तय किया है। बेटी से वो बहू बनी और अब वो बन गई है माँ और अब बन गई है सास। लेकिन रियल लाइफ में कैसे जयपुर की लड़की आज दो दो बच्चियों की माँ है जिनकी जिंदगी उनकी दोनों बेटियों के साथ सिमटी हुई है। लेकिन आज भी ये शूटिंग पर जाती हैं, करती हैं मेकअप और ढल जाती हैं अपने किरदार में। यानी स्मिता है आज की वुमन जो घर और अपना काम दोनों संभालती है। तो कैसी है स्मिता बंसल की रियल लाइफ जिंदगी, कैसा है उनका घर, कैसे वो अपनी दोनों बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करती है, कौन है उनके ऑन स्क्रीन दोस्त और कैसे वो ढलती हैं किरदार में, ये जानने के लिए सुबह सुबह हम मुंबई के स्मिता के खूबसूरत से घर में पहुंचे, बजाए उनके घर की घंटी और उन्हें कहा गुड मॉर्निंग। हेलो, हाय, कैसे हो आप? अच्छी हूँ, हाउ आर यू? एकदम बढ़िया। सास बहू और बेटियां आपके घर में एकदम धावा बोल चुका है। आई एम सरप्राइज टू सी यू यार, सडनली आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, मैंने कहा था सीधे सेट पे मिलूंगी पर घर आ गई हूँ। आई नो, तो मैं अभी तैयारी कर रही थी निकलने की घर से और तुम तो यही आ गई। तो आई रियली वॉन्ट टू नो, इनफैक्ट आपके सारे फैंस देखना चाहते हैं कि स्मिता जी एक्चुअल में कैसी है। मैं ऐसी हूँ यार, आई एम नॉट वेरी डिफरेंट। ऑफकोर्स वो स्क्रिप्टेड लाइन्स बोलती हूँ वहाँ पे, लेकिन वैसे भी मैं काफ़ी नौटंकी, मेरा पूरा परिवार काफ़ी नौटंकी है। सो लेट्स मीट होल फैमिली।
वहाँ से स्पेशली आई थी एंड लाइक रियली हैवी, तो मम्मी को काफ़ी डिफिकल्टी भी हुई थी इन्हें लाने में। मंदिर की पूजा के बाद एक आम हाउसवाइफ की तरह स्मिता की जिंदगी सिमट जाती है अपनी दोनों बेटियां स्टाशा और अनघा के साथ। देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाइए तारे जमीन पर। सुपर, वेरी गुड। घर का बना हुआ क्या अच्छा लगता है और घर पे जो बनता है उसमें से क्या अच्छा लगता है? अंडा रोटी। वी डोंट फीड हर, हम लोग इसे खाने नहीं खिलाते, हम बाहर से मंगा मंगा खिलाते हैं। क्यों, आपको डोसा अच्छा नहीं लगता? पद्मा दीदी डोसा बनाती है ना आपके लिए, आपको अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। और आपको खिचड़ी नहीं अच्छी लगती? हेमा दीदी आपके लिए बनाती है। अच्छा लगता है। शी लाइक अ पूतली। व्हाट? शी वेयर्स अ वाइट साड़ी। पापा ने सिखाया। जब मैं उनसे देख रही थी पापा के साथ, पापा से आई एम योर लुक लाइक अ पूतली। आज पापा की क्लास लगवाने वाली है तू? मैं दिल से दूर। क्या बात है, वेरी गुड। स्पेशल तुम्हें कौन सा टीवी शो अच्छा लगता है? वंस अपॉन अ टाइम। बाले का बथू किसके नहीं देखा? यू नो व्हिच मूवी आई लाइक? शी वाज नॉट हार्डली देयर इन ड्यूरिंग बाले का बथू। अरोरा एल्सा। शी इज लविंग द माइक। ये हमारे टीवी वाले नहीं है, ये देखते हैं सिर्फ डिज्नी प्रिंसेस मूवीज देखती हैं ये, और पेपा पिग देखती है ये, और ये आजकल स्टाशा का फेवरेट है फ्रेंड्स, जो हम सब वी ऑल हैव ग्रोन ऑन इट एंड आई एम वेरी प्राउड कि माय डॉटर इज आल्सो नाउ वाचिंग। आँखों को तेरी आदत है, तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है, बिन छुए छुए बन जाती है उनकी हमसफर, और जिंदगी का वो खूबसूरत लम्हा एंजॉय करती है जो हर माँ के लिए खास होता है। ये जो हो रहा है, कुछ अजब हो रहा है, क्या यही प्यार का है एहसास? पूरा घर छोड़ के इफ आई एम सिटिंग हियर शी विल कम एंड सिट ऑन माय लैप। We have a lot of toys in the house. बहुत सारे board games हैं, बहुत सारे puzzles हैं, then there are a lot of memory games and all, तो वो सब हम तीनों मिलकर खेलते हैं, और of course जिसमें जीतना सिर्फ अनाघा को होता है, कोई और जीत नहीं सकता, किसी और को जीतना allowed ही नहीं होता, सिर्फ अनाघा को जीतना होता है। अगर दीदी जीतने लगी या मम्मा जीतने लगी तो हम गेम बिगाड़ देते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। चलो आना डबल निकाल के लाओ, अभी फिर वही उसको जीतना है तो डबल ही खेलना पड़ेगा ना। Very restless. She has too much. You know, these children, I think this generation is only very energetic. वैसे स्मिता की छोटी बेटी अनघा बड़ी ही शरारती है, और उसकी शरारतों के चलते स्मिता अपनी बेटी के पीछे पीछे भागती रहती है। तेरी बातों में
अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था, तेरे हाथों की तुम पढ़ लेना प्लीज, एग्जाम है तुम्हारा, डोंट मेक मी फील गिल्टी लेटर कि आई वाज नॉट देयर। तो मम्मा जा रही है, क्या करने वाले हो? क्राई। क्राई तो आप करते नहीं हो मेरे जाने के बाद। आप किसके पास रहते हो जब मैं जाती हूँ? Who takes care of you when I'm not there? I'm doing happy cool, but who takes care of you when I go for shooting? Who's हेमा दीदी? देख मिलवाओ हेमा दीदी से। तो ये हेमा है, जब मैं शूट पे चली जाती हूँ पूरा पूरा दिन, ये है जो मेरी बच्ची का ख्याल रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती है, स्कूल लेके जाना लेके आना, एंड ऑल हर क्लासेस, सारी क्लासेस पे सबसे डिफिकल्ट मुझे लगता है पिकअप ड्रॉप एंड ऑल इज ठीक, बच्चे को खाना खिलाना बड़ा कठिन कार्य है। मतलब वो इट्स एंड जितनी एनर्जी इसमें है ऑफकोर्स पूरा टाइम हेमा इसके पीछे घूमती रहती है। कितना तंग करती है हेमा ये तुझे मेरे पीछे से? बहुत तंग करती है, फिर भी मुझे ऐसा नहीं लगता है ना मेरे को तंग करती है करके, मतलब ऐसा भी नहीं करती हूँ कि अपना बेटी जैसा करके उसका वो कर। ये इनका ध्यान रखती हैं। हाँ तो इसका पिकअप्स ड्रॉप्स बिकॉज ऑफकोर्स दोनों लड़कियाँ हैं तो आई डोंट लीव देम अलोन एट ऑल, तो सारी कोऑर्डिनेशन, खाना सबसे इम्पोर्टेंट बिकॉज ये भी हमारी खाना चोर है कम्प्लीटली, खाना पसंद नहीं है मेरे घर में किसी को भी, दोनों बच्चियों को, तो तेजस्वी जो है वो इसके खाने का और इसकी सारी क्लासेस का, एंड शी ऑल्सो मेक्स श्योर कि ये पढ़ रही है या नहीं। ताशा कितना तंग करती है? नहीं इतना भी नहीं करती तंग, लेकिन वो बहुत पढ़ाई में बहुत ध्यान देती है। तो वहीं पर स्मिता की बड़ी बेटी ताशा जो अब 13 साल की है बन गई है आजकल उनकी गाइड। आई टेल हर कि मुझे किस बारे में बोलना है वहाँ जाकर और मुझे क्या बात करनी है, या मुझे कोई कोट चाहिए किसी फोटोग्राफ पर या किसी भी चीज़ पर, या किसी जर्नलिस्ट ने फ़ोन किया है कि मुझे कोट चाहिए आपका, तो शी इज़ 13 बट शी हेल्प्स मी एंड शी जनरली बहुत अच्छे वर्ड्स मुझे देती है, थोड़ा सा मैं उन्हें ऊपर नीचे करती हूँ बट जनरली वो मुझे काफ़ी अच्छी गाइडेंस देती है और करेक्ट बातें बोलती है कि क्या बोलना है क्या, बिकॉज वो इतना पढ़ती है उसके पास इतनी नॉलेज है। दोनों बेटियों को संभालने के साथ साथ पूरे घर को वुड से स्मिता और उनके हस्बैंड अंकुश ने अपने हाथों से सजाया है। जस्ट बेसिकली वुड से ही हमने डेकोरेट किया हुआ है घर को, वी हैव नॉट डन मच ऑफ एनीथिंग, मतलब ऐसे सजाया नहीं है, जस्ट वॉल्स, यू नो बच्चों वाले घरों में जितना कम से कम सामान होना उतना बेटर है, बिकॉज जो दो चीज़ें मैं रखने की कोशिश भी करती हूँ वो भी अगले दिन टूट जाती हैं, तो बिकॉज शी हर फ्रेंड्स दे कम एंड दे प्ले, तो इट्स लाइक आई वॉन्ट टू हैव अ हाउस जिसमें मुझे टेंशन नहीं हो कि कहाँ चढ़ रहे हैं, कहाँ तोड़ रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, आई लाइक अ हाउस विच इज़ लाइक दे आर फ्री टू डू वॉट दे वॉन्ट, और यहाँ के वुडन है तो वो दीवारों पर लिखते हैं कुछ भी करते हैं तो जस्ट विद वन इट गेट्स क्लीन। हियर शी इज अनाघा से हेलो। Different different Ganpatis in the house because Ankush is very
चांद का